मेरा नाम उमरदीन है, गांव नहारी का। 2014 से आपकी रेडियो में बेवक अल्फाज मेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो सुनना है वो मोबाइल और इससे सुनता हूँ मैं। मुझे आपके बड़े अच्छे प्रोग्राम लगते हैं, ज़्यादा करके आप खेती बाड़ी के बारे में, यहाँ जमींदार हैं, जमींदारी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगता है आपका अल्फाज मेवा और बहुत बहुत धन्यवाद अब सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आसिफ है और मैं गांव घागस का रहने वाला हूं। अच्छा आसिफ जी, जैसे कि कल हमारा रेडियो डे है तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहोगे रेडियो के बारे में? सबसे पहले तो मैं अल्फाज मेवात रेडियो का शुक्रगुजार करता हूं। रेडियो से हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, जैसे शिक्षा के बारे में और हेल्थ के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अल्फाज मेवात रेडियो से हमारा अनुरोध है कि हम किसानों को समय समय पर ऐसी ही जानकारी देते रहें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम अफरोज है, मैं रेडियो डे के इस मौके पर अल्फाज मेवात रेडियो को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है और मेरी यही गुजारिश है कि रेडियो अल्फाज मेवात इसी तरह की जानकारी हमें देता रहे। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दिलसाद है और मैं गांव घागस से हूँ। अच्छा दिलसाद जी, आप जैसे कि कल हमारा रेडियो डे है तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अल्फाज मेवात का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। रेडियो से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, जैसे शिक्षा के बारे में और खेतीबाड़ी के बारे में और हेल्थ के बारे में। तो दिलसाद जी, आप रेडियो के माध्यम से मतलब आगे और किस तरह की जानकारी लेना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि अल्फाज मेवात में शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बताएं, क्योंकि मेवात के लोग शिक्षा के बारे में बहुत पिछड़े हुए हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।